हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि अपने यूट्यूब चैनल बानी रॉक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही इजी सा एक DIY। तो चलिए हम आज का अपना क्राफ्ट बनाने का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम DIY बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हमारा एक बंधनवार है या फिर आप इसको तोरण भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है। तो देखिए, मैंने इस तरह से स्केल से 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ली है और कंपास की हेल्प से मैंने देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। तो आप इसी तरह से मैंने यहाँ पर 8 पीसेस के ऊपर मैंने निशान लगाया है, उनको कट कर लिया है। तो आप इसी तरह से आप इजिली उनको कट कर लीजिए और आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ में ना लग जाए। तो आपको इजीली आप उनको कट कर लें और इस तरह से देखिए हमारे 8 पीसेज ये कट कर तैयार हैं। अब जैसे कि मैं बताती हूँ कि कार्डबोर्ड है तो हमें क्या करना है, इसकी साइड को अच्छे से हमें सिक्योर करना है। तो मैंने ऊपर वाली साइड को इसको सिक्योर किया है, नीचे हम डिज़ाइन बनाएंगे इसलिए मैंने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, धीरे धीरे सारे हमारे जितने भी हमने ये पीसेज कट किए हैं, सबको आपको क्या करना है, इसी तरह से मास्किंग टेप से अच्छे से सिक्योर कर देना है। अब इसके ऊपर हमें करना है वर्क। और देखिए इस तरह से ये मैंने छोटे छोटे मैंने और भी कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेज भी मैंने कट किए हैं, ये मैंने 2-2 इंचेस के लिए हैं। तो आप इनको भी अच्छे से इस तरह से कट कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर वर्क करने के लिए थोड़ा सा मैंने लिया बॉल पुट्टी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फेविकोल ऐड किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। हमें डो नहीं बनाना है फ्रेंड्स, एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और देखिए इसको आप अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएँ, इसके अंदर कोई लम्ब्स नहीं होने चाहिए। तो अच्छा सा हमारा ये पेस्ट इस बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जितने भी आपने ये कार्डबोर्ड के पीसेस बनाए हैं उन सब के ऊपर आपको क्या करना है, अच्छे से ये आपको पेस्ट अप्लाई कर देना है। और देखिए जहाँ पर हमने मास्किंग टेप नहीं लगाई थी वहाँ पर इस तरह से हमें जो वॉल पुट्टी का पेस्ट है उसको अच्छे से लगा देना है। और देखिए जब आपका एक साइड आपका अच्छे से सूख जाए फ्रेंड, तो आपको इसकी बैक साइड पर भी अच्छे से क्या करना है, इसी जो हमारे वॉल पुट्टी का पेस्ट हमने बनाया है इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। जो छोटे वाले कार्डबोर्ड के पीसेज हमने कट किए हैं उनको भी आपको क्या करना है, अच्छे से इसी तरह से कवर कर लेना है। अब देखिए एक साइड ड्राई हो गई थी तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बैक साइड पे भी मैंने अच्छे से इसी वॉल पुट्टी पेस्ट को मैंने अच्छे से अप्लाई किया है। अब जब आपके सारे पीसेज ड्राई हो जाए फ्रेंड, तो देखिए इस तरह से आपको सैंड पेपर से इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है, क्योंकि वॉल पुट्टी जो पेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत ये हमारा अनइवन हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए अच्छे से आपको सैंड पेपर से इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है। और देखिए छोटे पीसेज के ऊपर सैंड पेपर से हम बहुत ज़्यादा इसको क्लीन नहीं कर पाते, तो देखिए सैंड पेपर को आप इस तरह से रख लीजिए और उसके ऊपर आप देखिए इस तरह से आप इजीली जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं आप उनको अच्छे से आप स्मूथ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पेंटिंग के ऊपर कलर करने की। तो मैंने जितने 8 पीसेज लिए हैं फ्रेंड, मैंने सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर किया है। और जो मैंने यहाँ पर कलर्स किए हैं वो हमारे फेविकोल के एक्रेलिक कलर्स हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पर पोस्टर कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड, अगर आप चाहें तो आप सिंगल कलर से भी आप ये सारे कलर कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ही आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, अगर आप चाहें तो सेम कलर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मैंने मुझे थोड़ा सा ये तोरण को बंधनवार को थोड़ा सा मुझे जो है कलरफुल बनाना था, तो मैंने यहाँ पर सारे कलर्स को मैंने अलग अलग इन कार्डबोर्ड पे कलर किया है। तो आप भी इसी तरह से इन सब के ऊपर अच्छे से कलर कर लीजिए और इनको ड्राई होने के लिए फ्रेंड रख दीजिए। कई बार क्या होता है फ्रेंड कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर नहीं होते हैं, तो आपके पास जो भी कलर्स हैं आप उनको थोड़े थोड़े जैसे एक एक ब्रश में आप ले करके उनको मिक्स करके देख लीजिए। जैसे कोई भी 2 कलर आप ले लीजिए, उनको मिक्स करके देख लीजिए तो कोई नया कलर आपका बन जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आपके पास जो कलर्स हैं आप उन्हीं के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, आप नए नए कलर बनाते रहें। जैसे मैंने फ्रेंड इसमें जो लाइट पिंक कलर बनाया है वो मैंने रेड कलर और उसमें मैंने क्या किया था, थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड कर दिया, तो देखिए मेरा इस तरह से लाइट पिंक कलर बन गया। तो बहुत ज़्यादा कलर्स हमें नहीं खरीदने होते हैं, जो आपके पास कलर्स हैं आप उन्हीं को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मिक्स करके देखें तो आपके अलग अलग कलर आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अब इसके बाद बारी आती है हमारा वर्क करने की, जो वॉल पुट्टी डो के साथ हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें वॉल पुट्टी डो बनाना है। तो आपको क्या करना है, वॉल पुट्टी ले लेनी है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आपको ऐड करना है। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं हम उसके अंदर ऐड करते, तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और आपको देखना है कि अच्छे से हमारा ये
डो इस तरह से बनता चला जाए। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से अच्छे से हाथों से इसको गूंथना स्टार्ट करना है। और देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं जब तक इसमें क्रैक आना बंद ना हो जाए। जितना अच्छा आप इसके ऊपर वर्क करेंगे फ्रेंड, जितनी आप मेहनत इसके ऊपर लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका डो बनेगा। और इस तरह से जब आपका डो रेडी हो जाता है तो आप उसको किसी भी गीले कपड़े के अंदर रख करके आप इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें तो आप इसके साथ बहुत ही ईजिली आप काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर मोल्डेड क्ले भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा DIY है तो आपको क्या करना है, डो से ही आप वॉल पुट्टी डो जो हम बनाते हैं उसे आप वर्क कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखिए मैंने छोटी छोटी राउंड मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, और जितने भी हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिए थे मैंने सबकी साइड में देखिए इस तरह से फेविकोल लगा रख करके इनको मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। जितने भी आपने कलर्स के डिफरेंट कलर के आपने कार्डबोर्ड तैयार किए हैं तो सबके ऊपर इस तरह से मैंने लगाया है। अब देखिए मैंने इसको क्या किया है, टेबल के ऊपर ही रख लिया फ्रेंड, क्योंकि क्या हो रहा था जैसे मैं हैंड में लेके इनको राउंड स्ट्रक्चर्स को लगा रही थी तो ये बार बार नीचे गिर जा रहे थे। तो आपको क्या करना है, आप इसी तरह से किसी भी लकड़ी पे या कार्डबोर्ड पे आप रख लीजिए और देखिए इस तरह से आप आसानी से इनको लगा सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट आप वेट कीजिए तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, उसके बाद आप इनको ड्राई करने के लिए रख दीजिए। और मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगी फ्रेंड, आप जब भी कार्डबोर्ड के ऊपर आप जो वॉल पुट्टी का पेस्ट आप अप्लाई करते हैं तो आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, उससे क्या होता है जो आपका कार्डबोर्ड है वो आपका मुड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। हार्डबोर्ड के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या जो MDF बोर्ड होता है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी आप ये कार्डबोर्ड लेते हैं उसके ऊपर आपको क्या होता है कि वो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जो मैं छोटे छोटे पीसेस बनाए थे उसके ऊपर मैंने इस तरह से फ्लावर बना करके उनको लगा दिया है। और ये जब हमारा ड्राई हो जाए या आप ऐसे भी आप इसके साइड में मैंने क्या किया है, छोटे छोटे मैंने यहाँ पर मिरर्स लगा दिए हैं। तो आपको जब आपके पास स्पेस ज़्यादा हो आप बड़े मिरर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर देखिए यहाँ पर छोटा स्पेस है हमारे पास, कम स्पेस है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड आपको यहाँ पर मिरर लगाने हैं, आप डॉट्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे व्हाइट कलर से आप डॉट लगा दीजिए तो वो भी बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी बड़ी डॉट लगानी होगी। या फिर अगर आपके पास जो हमारे पास मोती आते हैं छोटे छोटे फ्लैट वाले जो मोती आते हैं आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिरर लगाना है। अब हमें करना है कोन वर्क, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी वॉल पुट्टी लेनी है, उसके अंदर फेविकोल हमें ऐड करना है, और थोड़ा अच्छे से आप इसको फेविकोल को ऐड करें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर वाइट कलर ऐड किया है, साथ में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। तो फ्रेंड आपको रिफाइंड ऑयल ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है, या कोई भी एडिबल ऑयल जिसमें कोई कलर ना हो, क्योंकि जो आपकी कीप बनती है फ्रेंड ये ऑयल डालने के बाद बहुत ही अच्छे से चलती है। तो आपको ये ज़रूर आपको अच्छे से मिक्स करना है, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। और देखिए रेडीमेड हमारे पास कोन मिलती हैं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये हमारे घर में जो ट्रांसपेरेंट पेपर्स आते हैं, ये जो पैकिंग पेपर्स आते हैं, आप उनसे भी बहुत अच्छे से कीप बना सकते हैं। और देखिए इस तरह से आपको जितनी मोटी या पतला आपको वर्क करना है उसको आप कट कर लीजिए, और इस तरह से आप इनको बनाकर तैयार कर लीजिए। इस तरह से देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर ये डॉट डॉट लगाई हैं, और उसके बाद मैंने देखिए इनके अंदर मिरर रख दिए हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, जो आपके मिरर्स हैं उनकी एक बहुत ही सुंदर सी बाउंड्री बनकर तैयार हो जाती है। तो आप जितने भी आपके पास कार्डबोर्ड आपने तैयार किए हैं उन सब के ऊपर आपको इसी तरह से मिरर लगाकर इनको कंप्लीट कर लेना है। और एक चीज़ और फ्रेंड, मैंने पहले यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लाइन लगाई थी, मैं कुछ और डिज़ाइन बनाने वाली थी, लेकिन ये मुझे सिंपल और सोबर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने क्या किया इसी लाइन को मैंने एक बार और रिपीट कर दिया। तो पहले ही आप इसको 2 लाइन में आप इसी तरह से लगा लीजिए तो आपके बहुत ईजिली आपका एक बारी में ही काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके बाद जब पूरे ड्राई हो गए उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर दूसरी रो लगाई थी। तो आप क्या करें, स्टार्टिंग में ही आप दोनों रो को लगा लीजिए, जैसे ये पहले आपने रो लगाई है इसके साथ साथ आप दूसरी भी ऊपर की साइड में आप दूसरी रो लगा सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन जितने भी हमने कार्डबोर्ड बनाए हैं इनको हमें क्या करना है, हैंग करना है। हैंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आप अगर आपके पास ये लैश नहीं है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जूट की रस्सी भी ले सकते हैं या आप धागा भी ले सकते हैं, बट धागा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपका थिकनेस उसकी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला धागा आप ना लें, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड, वो थोड़ा बहुत अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको इधर उधर किया तो वो टूट सकता है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस तरह से लैस को मैंने ये लगा लिया है। तो अब सारे कार्डबोर्ड पे आप इसी तरह से लगा करके आप इनको क्या कर लें, सिक्योर कर लें अच्छे से। और मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फेविकोल SH का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए जितने मैंने कार्डबोर्ड ऊपर की साइड में जो कलर लिए थे वही मैंने छोटे वाले कार्डबोर्ड पे भी मैंने कलर किया था, और सेंटर में मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था। और इस तरह से देखिए सारे के सारे मैंने छोटे कार्डबोर्ड को बड़े वाले पीसेस के साथ में मैंने इनको अच्छे से अटैच कर दिया है। तो आप इसी तरह से जितने भी हमने ये बोर्ड बनाए हैं सबको आप अच्छे से अरेंज कर दीजिए। इसके बाद देखिए जो मैं सेकेंड लाइन की बात कर रही थी फ्रेंड, देखिए मैंने इस तरह से इसको लगा दिया था। कितने सुंदर देखिए हमारे कार्डबोर्ड बन रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए कितना सुंदर हमारा ये तोरण बनकर तैयार होगा, और वो भी घर पर बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए जो हमने कोन बनाई थी फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसके अंदर ये डिज़ाइन बनाया है। अगर आप कोन वर्क नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप कोन वर्क नहीं करना चाहते या कोन आपसे अच्छे से नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको इस तरह से फ्लावर तो आप बना ही लेंगे, तो बना करके आपको क्या करना है, वाइट कलर से भी आप यहाँ पर लाइंस लगा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर चौड़ी एक लेस ली है, और उसके ऊपर देखिए जो बुकरम हमारी आती है वो मैंने ली है। अगर आप चाहें तो जो पेपर वाले बुकरम आती है फ्रेंड आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। और देखिए दो लेसेस मैंने साइड साइड में, एक रेड कलर की और एक देखिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। और देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। तो आप इसको मशीन से सिलाई करके भी आप लगा सकते हैं, या आप फेविकोल से भी आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमने कार्डबोर्ड तैयार किए थे, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए छोड़ करके, आप देख रहे हैं जो हमने चौड़े वाली लेस ली थी और जो कार्डबोर्ड है उसके पीछे मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। तो अपन को इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख करके आप सारे कार्डबोर्ड को इस तरह से आप जो चौड़ी वाली लेस थी हमारे उसके ऊपर आप अच्छे से इस तरह से अरेंज कर दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप इनको हैंगिंग की तरह से आप रखें। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल इसके साथ लगा भी सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको हैंग होते हुए रखा है। अब देखिए जो बैक साइड थी हमारी है मैंने उसको भी क्या किया है, अच्छे से कवर किया है। तो देखिए जो हमारे पास जो बुकरम आती है तो मैंने उसको उसका पीस मैंने लंबा लंबा इस तरह से कट कर लिया था, और इस तरह से मैंने यहाँ पर साइड में जो हम हैंग करने के लिए फ्रेंड लगाते हैं तो मैंने यहाँ पर थ्रेड लिया है। तो आप उसको अच्छे से मोटा सा थ्रेड आप ले लीजिए, या फिर जूट की जो रस्सी होती है आप उसको भी हैंगर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से आप बहुत ही सेफ्टी के साथ आप इसको अच्छे से पेस्ट कर दीजिए। अब जो ये हमारी चौड़े वाली लेस थी फ्रेंड वो मुझे थोड़ी सी खाली खाली लग रही थी, तो मैंने जो पहले फ्लावर्स बनाए थे वॉल पुट्टी से वो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे ड्राई किए हुए। तो आप उनको अच्छे से आप उनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे करके आप उनको लगा लीजिए। और देखिए उसके बाद मैंने इनके बीच में एक एक मिरर लगा दिया है। अगर आपके पास मिरर ज़्यादा हैं या फिर आपके पास जो छोटे फ्लैट वाले मोती आते हैं फ्रेंड अगर वो हैं तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से आप इनको जितना आप हो सके आप यहाँ पर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपल रखने की कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से मैंने इसको नहीं बनाया फ्रेंड, लेकिन जितना मैंने इसको सिंपल रखा है उतनी ही हमारी सुंदर लग रही है। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको मेरा ये कार्डबोर्ड से तोरण बनाने का आइडिया अच्छा लगा है तो फ्रेंड आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी जल्दी से फ्रेंड आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और सबसे ज़रूरी चीज़ फ्रेंड, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इतनी सुंदर तोरण जब आप घर पर ही तैयार कर लिए तो आपको मार्केट से परचेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत सारे पैसे आप इसमें बचा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये तोरण कार्डबोर्ड से बनाने का आइडिया अच्छा लगा तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से फ्रेंड जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। और हाँ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप क्राफ्ट बनाते रहिए और फ्रेंड खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम एक बार फिर अपने एक नए क्रिएटिव वर्क के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।